हेलो स्टूडेंट, अगर क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 से 9 तक समझाने जा रहे हैं। इससे पहले का हमने पहले समझा दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर लेने हैं जो मल्टीप्लाइड बाय है 2, 3 एंड 4, और उस सारे का सम जो है ना 74 है। तो हम 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेट करते हैं, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इंटीजर बी एक्स लेते हैं, एक एक्स प्लस वन लेते हैं एंड एक एक्स प्लस टू लेते हैं, ठीक है। एंड ये मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड बाय है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, पहला नंबर है ये एक्स, तो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस। दूसरा नंबर है हमारा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर प्लस। तीसरा नंबर है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। ये है, इसका सम दे रखा है 74। फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। ये आपका 2x है प्लस, ये 3x हो जाएगा, ये 3 बन जा 3 प्लस, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस, 4 2 8 इक्वल टू 74। सारे को लाइक टर्म कर लेंगे, ये वाले और ये वाले, ये हो जाएंगे 4 और 3 7 और 2 9x और प्लस ये और ये और ये, ये 11 हो जाएगा 74। अब ये लाइक टर्म कर देंगे, 9x इक्वल टू हो जाएगा 74 माइनस 11, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 363, तो x इक्वल टू हो जाएगा 63/9। 9 के टेबल में आता है 7 जा, तो देयरफॉर x की वैल्यू आपका कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब हम ये सारे जो है ना कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है ना हम इसका निकाल देंगे, तो x इक्वल टू आपका कितना आया 7, और x प्लस वन इक्वल टू आ जाएगा कितना 7 प्लस 1 8, ठीक है। x प्लस टू कितना हो जाएगा भाई, 7 प्लस 2 9, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है ना हमारा 7, 8 और 9 इसका जो है ना आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो है ना इसमें राहुल का एज दिया हुआ है, दोनों का रेशियो में दिया हुआ है, तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं। लेट राहुल एज, राहुल एज इक्वल टू 5x, और इसमें है हारून, हारून का एज हो गया 7x, 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स लेटर, हाँ दोनों का एज 4 ईयर्स लेटर, दोनों के एज कितने हो जाएंगे, राहुल के एज कितने हो जाएंगे, 5x इंटू 4 हो जाएगा, 5x प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि लेटर है, और हारून का एज हो जाएगा 7x प्लस 4। फिर तब जो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपको, दोनों का सम, दोनों का सम दिया हुआ है 56। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक्स वाले हो जाएंगे 12x, और ये कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे 8 इक्वल टू 56। अब इसको फिर उसी तरह से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 56 माइनस 8, तो 12x इक्वल टू हो जाएगा 8, 48, तो x इक्वल टू हो जाएगा 48/12, 12 4 जा होता है 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गया 4। तो हम राहुल का एज कितना हो जाएगा, राहुल एज हो जाएगा आपका 5 इंटू 4, यानी कि 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और हारून का एज कितना हो जाएगा, हारून एज हो जाएगा 7 इंटू 4, यानी कि 28 ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है ना दोनों क्वेश्चन था, 8 और 9 दोनों अलग अलग थे, ठीक है। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।